अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स क्लास 10th फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा अब तक हमारे इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, आयनाइजिंग एबिलिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उसके बाद हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर हमने मजीद कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, ठीक है। आज के जो लेक्चर नंबर 7 है इसमें हमने पढ़ना है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 6 में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा दो किस्म के होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है, फिशन रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटता है जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और टूटने के बाद वो दो छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में हीट एनर्जी या किसी किस्म की एनर्जी रिलीज होगी। जबकि दूसरी जो किस्म की बेटा उसमें मैंने आपको बताया था फ्यूजन रिएक्शन, जो आपका हमारा टॉपिक है। फ्यूजन रिएक्शन में हमने ये पढ़ना है, देखिए फ्यूजन जो है वो फिशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उलट है। वहां पे टूटने का अमल था, यहाँ जुड़ने का अमल है। फ्यूजन का मायनिंग है जुड़ना, मिलना, मिलाप होना, ठीक है। तो अब फिजिक्स में इस जुड़ना, मिलना, मिलाप होने का क्या मतलब हुआ बेटा? फ्यूजन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें दो बहुत ही हल्के न्यूक्लियसेस, ठीक है। अब जब हम बहुत हल्के एलिमेंट की बात करते हैं तो एग्जांपल में हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिलाप करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, मिक्सअप होंगे और नतीजे में एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। वहां क्या था फिशन में, हैवी न्यूक्लियस टूटता था, यहां क्या है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और हैवी न्यूक्लियस बनता है। तो हैवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन का जिक्र भी हम यहां पे कह सकते हैं कि हो रहा है जी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा कुछ चीजें हैं यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जैसे मैंने क्लियर किया कि न्यूक्लियसेस आपस में मिलेंगे, न्यूक्लियसेस, तो ये बहुत हैरान कन अमल है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कि जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है। अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखिए जी, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव, वही अपेरेंटली शो होता है एक न्यूक्लियस के ऊपर। अब देखें अगर मैं वाई को भी आपको समझाऊं तो आपके पास दो न्यूक्लियसेस हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस पर भी और दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ये देखें कि ये तो लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं और हमने चार्जेस की जो प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ी है वो ये है कि ये दोनों चार्जेस उसूलन नेचुरली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में जम कैसे होंगे, मिक्स कैसे होंगे, फ्यूज कैसे होंगे? इस काम के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी, एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है ताकि हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर सकें। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो भी एनर्जी की सूरत ही होता है। वो एनर्जी आप जो प्रोवाइड करेंगे वो आमतौर पर फिशन रिएक्शन के जरिए पॉसिबल हो सकती है या इलेक्ट्रिक आर्क के जरिए भी हम उसको मुमकिन बना सकते हैं। तो बेटा इस पूरे के पूरे टॉपिक में यही काम होना है कि दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जाकर एक दूसरे में मिक्स हो, फ्यूज हो और एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है जी। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, टू द पॉइंट है, ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये आपका। सबसे पहले तो बेटा डेफिनेशन आप उधर गौर से देखें, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, जब दो हल्के न्यूक्लियसेस, जब दो हल्के न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियाई, अब लाइट न्यूक्लियाई की एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे,
कंबाइन मिलते हैं, जुड़ते हैं टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस बनाने के लिए द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को, इस अमल को, इस मजहर को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन का अगर हम जिक्र करें तो इसी को हम लेके चलते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको मजीद बता दूं, अगर न्यूक्लियसेस बहुत लाइट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये नॉर्मल लाइट एलिमेंट्स हैं, लाइट न्यूक्लियसेस हैं, तो इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, अगरचा होगी, लेकिन अगर आप इनसे कोई हैवी न्यूक्लियस ले लें, इनसे कोई हैवी न्यूक्लियस ले लें, तो उस सूरत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, वो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मिकदार में हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो हम आमतौर पर ये बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कदरे हल्के स्टेबल न्यूक्लियाई की ही जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत ज्यादा अनस्टेबल की बात करेंगे तो उस सूरत में दोनों न्यूक्लियसेस को करीब लाने के लिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियसेस पर तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा उनको करीब लाना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इंसान के लिए मुमकिन नहीं। 1940 से ऑनवर्ड अब तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, अब तक भी इसके अब मतलब प्रेजेंट डेट के ऊपर भी इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन कोई खातर ख्वाह हमारे लिए कोई नतीजे सामने नहीं आए। तो हम फिशन रिएक्शन तक तो काम कर चुके हैं, फिशन रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, रिसर्च हो चुकी है, फ्यूजन के ऊपर अभी भी स्टडी जारी है। ये तो डेफिनेशन। अब जरा एग्जांपल और न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, जरा और कीजिए। ये आपके पास बेटा एक ड्यूट्रियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप और ये ट्रिटियम है हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ठीक है। इन दोनों लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक न्यू एलिमेंट यहां पे बन गया, कंबाइन करने से एक न्यू एलिमेंट बेटा यहां बन गया, वो है हीलियम। साथ में एक न्यूट्रॉन खारिज होगा, रिलीज होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी भी आपके पास आएगी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा लाइट न्यूक्लियाई, तो यहाँ इस रिएक्शन में लाइट न्यूक्लियाई है ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ये बहुत लाइट न्यूक्लियाई है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बाकी तमाम एलिमेंट्स की निस्बत बहुत वीक होती है, लेकिन अगर क्या होती है, किसी को रिपल्शन तो रखती है, तो आपको करीब लाने के लिए, दोनों को करीब लाने के लिए, जोड़ने के लिए, मिक्स करने के लिए, जम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती जितना कि बाकियों में होती है। जी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें आप, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि एक तस्वीर की सूरत में हम इसको बता दें कि ये बनता कैसे है। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे जो आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं दीज आर द प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और जो ब्लू डॉट बेटा आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये एटॉमिक मास बन गया दो और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एक, तो ये बन गया बेटा आपके पास ड्यूट्रियम। जबकि ट्रिटियम को अगर आप देखें दो प्रोटॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स हैं सॉरी एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, ऊपर वाले की बात करें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जबकि ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन्स हैं और एक प्रोटॉन है, तो ये आपके पास एटॉमिक मास बन जाता है थ्री और एटॉमिक नंबर वन। जी, जब इन दोनों को फ्यूज किया गया, ये एक फ्यूजिंग पॉइंट है, मतलब वो रीजन है जहां पर ये दोनों न्यूक्लियाई मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है, इनका पैटर्न हो रहा है फ्यूजन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन। जी, फ्यूजन पॉइंट के बाद क्या होगा, सडनली ब्लास्ट के साथ ये बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज करेगा और हीलियम फॉर्मेशन होगी। अब आप जरा हीलियम को देखें, हीलियम का एटॉमिक मास है फोर और एटॉमिक नंबर है टू। जी, एटॉमिक नंबर टू का मतलब ये कि इसमें दो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर टू का मतलब इसमें दो प्रोटॉन है, और फोर का मतलब ये है कि इन तमाम पार्टिकल्स को आप ऐड कर दें, इनका सम ले दें तो फोर आ जाता है, टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर, तो हीलियम फॉर्मेशन होगी। और अगर आप गौर करें यहां पर एक दो तीन चार पांच, ये पांच पार्टिकल्स हैं, तो दो तो आप ये दो न्यूट्रॉन तो यहां आ गए, तो ये जो इजाफी एक न्यूट्रॉन है ये बेटा रिलीज हो जाता है, ठीक है, खारिज हो जाता है, और साथ में बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी का इखराज भी होता है।
क्लियर है। ये था बेटा आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसको लेके चले तो जरा व्हाइट बोर्ड पे आप गौर कीजिएगा, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड द स्टार इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन टू हीलियम न्यूक्लियस लिबरेटिंग वन न्यूट्रॉन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो सूरज में और कई बड़े सितारों में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो दरअसल फ्यूजन रिएक्शन का ही नतीजा होते हैं। तो बेटा ये जो आपको स्टार्स ट्विंकल करते नजर आते हैं ना, जिसको आप कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेसिकली वो लिटिल स्टार नहीं होता, वो जिसकी ट्विंकलिंग होती है वो ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिसमें रिएक्शन की सूरत में वो बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी एमिट करते हैं जी। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन या कोर ऑफ द सन, सूरज के मरकज में जो टेम्परेचर है वो है 20 मिलियन केल्विन। 20 मिलियन केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बेटा ये, ठीक है। 20 मिलियन केल्विन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो अब आप 20 मिलियन का अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हड्डी का देखिए, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन। आमतौर पर अगर एक इवेंट की बात करें तो एक इवेंट में आमतौर पर जो चार हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, चार मतलब अगर आप इसको दो से भी कर सकते हैं, ज्यादा से भी कर सकते हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है, वो बनती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था। मैस कंपैरिजन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, देखिए ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे है ये रिएक्टेंट्स हैं ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, जबकि अगर आप राइट साइड पे देखें हीलियम एंड न्यूट्रॉन एंड एनर्जी, अगर आप इन दोनों के मैसेस को कंपेयर करें तो ये मैस सेम नहीं आता, ऐसा क्यों कर होता है जी। जरा गौर से देखिए, द मैस ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस जिसे आप प्रोडक्ट कहेंगे इज ऑलवेज लेस देन द मैसेस ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियाई जिसे आप रिएक्टेंट्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैस एनर्जी रिलेशन। दिस लॉस ऑफ मैस कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी E=mc², ठीक है, E=mc² इस इक्वेशन के नतीजे में इस रिएक्टेंट का जो मटेरियल है, जो मैटर है, उसका कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट के मैस से कुछ कम होता है, बराबर नहीं होता जी। ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है, जब आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिले तो आपने एग्जैक्ट इन्हीं हेडिंग्स में इसको वाइंड अप करना है जी। यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल हम चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, थोरियम है आपके पास, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, और भी कई रेडियोआइसोटोप्स भी हैं। आमतौर पर इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखिए बेटा अगरचा यूरेनियम और बाकी तमाम रेडियोएक्टिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारी मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है अगरचा, लेकिन बेटा इसके कुछ खतरा भी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। खासतौर पर जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन की खासियत यह है कि उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत दूर तक सफर करने की और हर रुकावट, ज्यादातर रुकावटों में से गुजरने की सलाहियत रखता है। एक दूसरी जो गामा रेडिएशन की जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब इसको इंसानी जिस्म के ऊपर, मतलब कैंसरस पार्ट को रिमूव करने के लिए, मुख्य किस्म की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डेड सेल के साथ साथ लिविंग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। जो जिसका हमारे जिस्म की जो सेल है, जो टिश्यूज हैं, जो फंक्शन है, उसको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए हमने गामा रेडिएशन की जो मिकदार है वो बहुत एहतियात से लेकर चलनी होती है। और इसी तरीकाकार से अगर आप अल्फा की बात करें, अल्फा तो बहुत ही हैवी है, वो आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रखती है, तो ये जो रेडिएशंस हैं इनके बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं, इन खतरात में से चंद एक का जिक्र है जी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको फील्ड बताई, मजीद रेडियोएक्टिव रिसोर्सेज या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका था, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और इसके अलावा हीट प्रोडक्शन जो होती है, वहां पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, उन जो पाकिस्तान में दो हैं, कैनप और चेस्टम, वहां पर रेडियोएक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इजीली आपको एनर्जी रिलीज होती है इससे, हीट एनर्जी। इसका एक फायदा ये है कि हमारे माहौल में
थर्मल पोल्यूशन की वजह तो गर्जा बनती है, लेकिन ये स्मोग या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह नहीं बनती, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन की वजह हो सकती है ये जी। इसके बाद न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, देखिए ऐसे आप दोज जिनमें एनर्जी की जरूरत या अंडर द सी लेवल आपने जो आपकी जो अस्करी की आदत होती है, जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ठीक है, हिफाजत के लिए किसी रियासत की, वहां पर हम लोग आमतौर पर सबमरीन में जो पावर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं बेटा, वो न्यूक्लियर मटेरियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बरआजमी या एक खास किस्म के खत्ते तक हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो आपके आपके हथियार हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, ठीक है जी। हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, क्या खतरात हैं जी, बहुत इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे इस हिस्से में लिखा है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है, वैसे तो इस चैप्टर में से तो मेडिकल आता है, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, लॉन्ग में भी आ सकता है ये जी। हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, पहला है रेडिएशन बर्न्स, जो श्वाएं हैं ये जलाती हैं, खतरनाक होती हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। इनकी एक खासियत ये है बेटे कि रेडिएशन जिस्म के ऊपर अगर पड़ जाती है तो जिस्म के ऊपर जो जो हमारा जो सेल होता है, जो हमारी स्किन है, उसकी सोरनेस या फिर उसकी रेडनेस की वजह बन सकती है, ठीक है जी। इसके बाद स्टेरिलिटी, बांझपन, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। आमतौर पर जो साइंटिस्ट ऐसे रिएक्टर्स के अंदर काम करते हैं, ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं, उनके साथ एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जिससे उनके अंदर बांझपन पैदा हो सकता है, उनके हार्मोन प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें कई एक ऐसी इश्यूज बन सकती हैं जिसकी वजह से उनकी नस्ल नहीं बढ़ती, तो इसका इलाज मौजूद होता है, ठीक है जी, वो आपके डिटेल और निकल आती है। जेनेटिक म्यूटेशंस इन बोथ ह्यूमंस एंड प्लांट्स, देखिए जी इंसानों में और पौधों में मुख्तलिफ किस्म की जो एक ग्रोथ रेट होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, और पेरेंट्स से डॉटर तक, यानी ऑफस्प्रिंग तक, ऑनवर्ड उसकी अगली नस्ल तक आपके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाती है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, तो ये पॉसिबल है। ये कहा जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बम ड्रॉप किया गया था, ठीक है, लिटिल बॉय, तो उसकी वजह से कई अरसे तक उस खित्ते में वहां का फ्लोरा और फाना डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो किसी न किसी कमी, किसी न किसी जो है ना मोहताजी का शिकार थे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उनके जिस्म के अंदर, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। ये ना सिर्फ इंसानों में हुआ बल्कि पौधों में, वहां की कल्टिवेशन में, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई थी जी। ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, खून के सेल की जो ब्लड सेल का कैंसर है ल्यूकीमिया, उसकी वजह भी बन सकता है ये। ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट, ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट इन द आई, अंधापन भी हो सकता है या आंखों में मोतिया भी निकल सकता है, कैटरेक्ट का मतलब है मोतिया, ठीक है, तो मोतिया भी आ सकता है आंखों में। इसकी रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आपके जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपको हो सकता है कि आंखों में मोतिया निकल आए या फिर इंसान बिल्कुल ही अंधा हो जाए, तो ये थी बेटा इसकी हैजर्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस फ्रॉम रेडिएशन, हमने इसे बचना है, तो इसके बचने के लिए हम क्या करें, जैसे आप कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आप हाथ धोएं, मास्क पहनें, ये आपकी प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर है, तो यहां पर रेडिएशन से बचने के लिए, रेडिएशन के असरात से बचने के लिए हमने कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, हमने कौन सी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है। नंबर वन, यूज टॉम्स एंड फॉसिट्स वाइल्ड हैंडलिंग, जब आपने किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल को हैंडल करना है तो ऐसे नहीं कि आपने फौरन उसको हाथ में पकड़ लेना है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने वो खास किस्म के चिमटे टाइप के होते हैं जिसे आप उसको कैरी करते हैं, ठीक है, जो कि आपके लैब में मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा उसको केयरफुल तरीके से आपने उठा के एक जगह दूसरी जगह पर प्लेसिंग करनी होती है, उसको एक्साइटेड भी नहीं करना होता, फेंकना भी नहीं होता आपने। नेक्स्ट, यूज रबर ग्लव्स, ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स के साथ आप ऐसे मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट करें, उसको हैंडल करें, उसके ऊपर काम करें। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कर लिया तो इंतहाई ठंडे पानी से अपने हाथों को धोएं, ठीक है जी। इसके अलावा
यूज थिक लेड कंटेनर टू स्टोर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। अब आपके पास कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिसको आपने स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए आप लेड कंटेनर्स को यूज करें जो के उस रेडिएशन के असरात को कम करते हैं। उसको फ्यूज रखने के लिए, रेडियोएक्टिव मटेरियल को फ्यूज रखने के लिए आपको लेड से बने हुए कंटेनर्स दरकार होते हैं। नेवर पॉइंट रेडियोएक्टिव मटेरियल टुवर्ड्स अ पर्सन, किसी शख्स की तरफ मत करें आप, उसको पकड़ के किसी तरफ फेंके मत, उसको हाथ मत लगाएं। ये नहीं है कि आप कोई शरारत करें ऐसे ऐसे एलिमेंट के ऊपर, दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। जी नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंट विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरिया शुड बी अवॉइडेड। देखिए जी, जहां पर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के ऊपर काम होता है ऐसी इंडस्ट्रीज में, या ऐसे आपके रिएक्टर या पावर प्लांट्स के अंदर ऐसे पॉइंट्स पर, वहां पर आपका आना जाना कम होना चाहिए। आमतौर पर जो इसके ऊपर काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं, एटॉमिक इंजीनियर्स, वो एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के साथ बैच लगाते हैं। REM लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक है, रेम। वो एक स्पेसिफिक बैच लगाकर स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम में अपने आप को कवर करके मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में से गुजर के, पहले न्यूमेटिक सेल होता है, वहां से हवा लगती है, जिस्म को साफ किया जाता है, ठंडे पानी से वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, एंड देन वो ऑनवर्ड अपने रूम में जाके मटीरियल के ऊपर काम करते हैं या सिग्नेचर करते हैं या ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, ठीक है। फिर जब वो वापस आते हैं तो उन्हीं सेल्स में से उसको प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है उस शख्स को, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर आना जाना कम रखें आप। आपके हॉस्पिटल में, ये आपका जो शौकत खानम है या अनमोल हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल में भी ऐसे मटीरियल्स को यूज किया जा रहा होता है, तो ऐसे पॉइंट पर आपका आना जाना कम होना चाहिए। जी ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, और आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गया। अब आपका न्यूमेरिकल का एक लेक्चर रह चुका है, ठीक है। ये था आपका सारा कुछ। देखिए ये जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंसिडेंट का भी जिक्र किया गया है रशिया में, ठीक है, चेर्नोबिल पावर प्लांट अपने कूलिंग सिस्टम फेलियर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। स्पेसिफिक डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल लास्ट इस चैप्टर के लास्ट जो पेज है वहां पे इसका वाक्य लिखा हुआ है। और वहां से जो रेडिएशन खारिज हुई थी बेटा, वो इतनी खतरनाक थी रेडिएशन कि वो पूरे इलाके का फ्लोरा और फाना बायोलॉजी के टर्म्स है, मतलब उस जगह के जो कल्टिवेशन है, एग्रीकल्चर है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, मुख्य किस्म के, ठीक है, वो और वहां की जो डेयरी इंसान और मुख्य किस्म के जो जानवरों के जो आपके वहां पे एक निजाम बनाया गया, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था उस रेडिएशन के जेरे असर आने की वजह से। जी ये था जी आपका पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। एक दफा दोबारा खुलासा देख लें, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट न्यूक्लियर मिक्सअप होते हैं, मिलते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन की, न्यूक्लियर रिएक्शन किया आपने, पिक्टोरियल डायग्राम बेटा व्हाइट बोर्ड पर गौर से देखें, ठीक है, आपने भी एग्जैक्ट ऐसे ही पैग से डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि जो सूरज में जो रिएक्शन हो रहा होता है, ये रिएक्शन भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है सेंटर में, ठीक है जी। सेंटर में इसके टेम्परेचर का जिक्र किया गया है 20 मिलियन केल्विन। ईच फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो आपके पास आमतौर पर, ठीक है, प्रॉपरली जो आपके पास एनर्जी ऑब्टेन होती है वो मिलती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मास कंपैरिजन इक्वल टू एमसी स्क्वायर। मजीद जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई थी वो ये था कि चूंकि दोनों न्यूक्लियाई हैं वो आपस में मिक्स होंगे, तो दोनों न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो असूलन तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब जो कूलम्स फोर्स है, कूलम्स लॉ, अभी कूलम्स लॉ क्या है चैप्टर 13 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, इंशाल्लाह वो रेगुलर क्लासेस के अंदर उसको क्लियर करेंगे। तो कूलम्स फोर्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पे काम करना होता है। फिर बेटा मजीद हमने आगे यूजेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स पढ़े, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड में है, मजीद आपका आप किन किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन पढ़ा, 5 पॉइंट्स लिख दिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस फ्रॉम रेडिएशन, देखिए रेडिएशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
बहुत ही लाइट मटेरियल है, कोई मुश्किल नहीं है। काइंडली जब आप वीडियो को सुन रहे होंगे तो साथ साथ आपने एक स्पेसिफिक एरिया तक कवर करने के बाद टाइम को नोट किया करिए, कितनी देर की वीडियो देख ली है, फिर आप रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद आपकी सारी चीजें बेटा वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। आपको जो इसकी असाइनमेंट दी जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, एक ही आपका क्वेश्चन होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, राइट हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू अवॉइड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के असरात से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, फिर आप हमने ये 6 पॉइंट देखेंगे बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।